हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको MTR उत्तपम मिक्स पैकेट से उत्तपम बना के दिखाया था। ये बड़ा वाला पैकेट 500 ग्राम का है और 140 रुपीज़ का हमें मिला था। तो इसकी जो क्वांटिटी है आप देखेंगे, क्वांटिटी इसकी बड़ी है, बिग साइज़ का है ये। तो मैंने आपको आधा पैकेट बना के दिखाया था उत्तपम, और आज मैं इसी पैकेट के आधा जो बचा हुआ था 250 ग्राम, उससे मैं आपको अप्पम साचे में अप्पम बना के दिखाने वाली हूँ। ये उत्तपम का पैकेट है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में कि आप अप्पम साचे में अप्पम बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस पैकेट को मैंने पहले वाले वीडियो में ओपन करके आधा पैकेट निकाल के बना के दिखाया था उत्तपम। तो आधा पैकेट मैंने रख दिया था, ये देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आधा पैकेट मैंने रख दिया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर पूरा पैकेट यूज़ करते हैं तो आपको पानी लगेगा, 4 कप पानी आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा ही पैकेट लिया है, इसलिए हम 2 कप पानी लेंगे। और इसका जो बैटर है वो उत्तपम के लिए थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, और अप्पम बनाना है हमें इसलिए थोड़ा सा ढीला रखेंगे, हम थोड़ा पतला रखेंगे। जैसे हम इडली के लिए रखते हैं वैसा आप रख सकते हैं, जैसा हम ढोकला या फिर इडली के लिए बैटर को तैयार करते हैं वैसा आपको अप्पम के लिए तैयार कर लेना है। पानी मिक्स कर लिया इसमें, और कुछ भी हमें इसमें मिक्स करना नहीं है, रेडीमेड पैकेट है, इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करना है हमें, सब कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। हमें सिर्फ इसमें पानी की सहायता से इसका बैटर हम तैयार करेंगे, और 5 या 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट आप दे सकते हैं, इसको ढक के रख सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, मतलब गुठलियाँ नहीं रखना है हमें बिल्कुल भी। इस बैटर को अच्छे से तैयार करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अगर आप उत्तपम बनाना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो बनाया है और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्तपम बनाने के लिए बैटर को हमें पहले हमें रेस्ट देना है, उसके बाद इस तरह से हम इसको स्प्रेड करेंगे, कढ़ाई ले ले या फिर तवा, और उसके बाद हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। तेल थोड़ा डाल कर दोनों तरफ से सेकने के बाद इसमें आप कटी हुई सब्जियां, और पहले चटनी लगानी है आपको, उसके बाद कटी हुई सब्जियों से आपको थोड़ी देर तक सेक लेना है, और फिर ये मिल जाता है हमें बनके। हम चलते हैं बनाते हैं अप्पम साचे में अप्पम। तो बैटर को ये देखिए थोड़ा सा ढीला कर दिया है मैंने, थोड़ा पतला रख दिया है, ऐसा बैटर हमें रखना है अप्पम साचे में। चलिए रखना शुरू करते हैं, अभी गैस ऑन नहीं किया है मैंने, और आप देख सकते हैं ये जो सर्कल बने हुए हैं इसमें हमें पूरा फुल नहीं भरना है, इस बैटर को थोड़ा सा जगह छोड़ देना है ऊपर के साइड में, सभी को हमें फिल कर देना है, सब में हमें फिल करने के बाद इसको ढक देना है, और बस हम आधा मिनट के लिए ढकेंगे। उसके बाद फिर ओपन करके इसमें 2-2 बूंद तेल डालेंगे, और तेल हमें कुछ देर के बाद डालना रहता है क्योंकि जब बैटर थोड़ा सा जम जाता है तब आपको 2-2 बूंद तेल सब में डाल देना है, और फिर इसको फिर से आपको ढक देना है। गैस ऑन कर दिया है मैंने, और मीडियम आंच में हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको कुक करेंगे, पकाएंगे, और अच्छा लाल सुनहरा होने तक हम इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से। हमें थोड़ा ही तेल लगेगा, ज़्यादा तेल लगता नहीं है इसमें। तो आपने देखा मैंने 2-2 बूंद तेल डाला है, और बीच बीच में आपको इसका ढक्कन हटा के चेक करना है, अगर ये अच्छे से लाल हो गया है नीचे से तभी हम इसको टर्न करेंगे। अभी देख सकते हो आप कि मैंने टर्न करके देखा है, लाल नहीं हुआ है, तो हम इसको फिर से इसका ढक्कन ढक देंगे। कुछ देर के बाद हम देखते हैं, अगर ये अच्छा लाल हो गया है देखिए इसका नीचे का हिस्सा, तब हम इसे चेंज कर देंगे इसकी प्लेस को। सभी को चेंज करना है, सभी को पलट लेना है, और फिर हमें फिर से 2-2 बूंद तेल डालना है, क्योंकि हमने एक तरफ तेल डाला था, जब हम दूसरी तरफ पलटते हैं तो तब भी हमें फिर से थोड़ा थोड़ा तेल इसमें डाल देना है, ताकि दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा लाल हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। एक हिसाब देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया है, बस इसी तरह से हमें थोड़ी देर और सेक लेना है। तेल डाल दिया है मैंने, इसको हम ढक देते हैं, और अब थोड़ी देर के बाद ये देखिए हमने अच्छे से इसको पका लिया है, और ये अप्पम बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। अप्पम आपने देखा कैसे बनाना है, बहुत इजी है, ये उत्तपम पैकेट से आप अप्पम बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद इसके साथ आप चटनी के साथ या टमाटो सॉस
या समार दाल भी आप ले सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको, टेस्ट इसका दुगना हो जाएगा खाने में। मैंने बनाया है समार दाल, और दोस्तों ये काट के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर का हिस्सा अच्छे से पकना चाहिए, कच्चा नहीं रखना है हमें। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, और मैंने आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर का हिस्सा कच्चा नहीं रखना है हमें, अंदर का हिस्सा ऐसा होना चाहिए पकने के बाद। तो समार दाल के साथ इंजॉय करिएगा, रेसिपी अच्छी लगी लाइक करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।